हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको मैंगो ऑर्चार्ड किस प्रकार लगाया जाता है। एक सिंपली बड़ा अगर से ऑर्चार्ड ना लगाया हो, कम से कम समझो आधा एकड़ में लगाने का है, या एक एकड़ में लगाने का है, या 25 डिसमिल में लगाने का है, या आपको कहीं भी लगाने का है खेतों के बंड्स पे, तो डिस्टेंसिंग कितना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये डिस्टेंसिंग डिपेंड करती है आपके पेड़ के क्वालिटी पे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि पौधा जो होता है आम्रपाली का, आम्रपाली ऐसी एक वैरायटी है जो डेंस लगाई जाती है। तो कंसीडर करो, अगर से आप 10 फीट पे, अगर से 10 मीटर पे यानी 30 फीट पर 10 मीटर बाय 10 मीटर पे लगाते डिस्टेंसिंग पे, तो आपको एक एकड़ में 30 प्लांट लगा सकते हैं, 30 से 40 प्लांट। लेकिन दोस्तों, आम्रपाली लगाओगे तो आम्रपाली 5 मीटर पे यानी 15 फीट पे, तो देखिएगा। और उसके बावजूद ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ना जैसे अभी अपन फॉरेन कंट्रीज में है, कंसीडर करो तो फॉरेन कंट्रीज में इजराइल का नाम सबसे सुपीरियर में आता है कि खेती तंत्र में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इजराइल ने किया है। आज इजराइल को हमारे देश के बहुत सारे लोग, नेता लोग, साइंटिस्ट लोग विजिट मारते हैं, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट भी। तो दोस्तों, वहां पर पानी की समस्या है, और इसलिए वहां पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और मल्चिंग वगैरह इस प्रकार के साधन का इस्तेमाल किया जाता है। कम से कम लैंड में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप लिया जाता है। तो आज हम स्पेशल चर्चा करने जा रहे हैं सिर्फ मैंगो की, इसलिए मैं बाकी चीज पे फोकस नहीं करूंगा। तो दोस्तों देखिएगा, हम वहां से दिखाने जा रहे हैं आपको, वो देखिएगा, यहाँ केसर वेरायटी है। तो दोस्तों, केसर की भी वेरायटी ऐसी खूब बड़ी नहीं होती, और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी वेरायटी जो है, आप ग्राफ्टेड वेरायटी जब लगाते हैं तो आपको 3 से 4 साल के बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप सवाल, आप मैंने बोला कि सबसे डेंस वेरायटी आपको लगाने की नजदीक तो आम्रपाली ही एक ऐसी वेरायटी है जिसका स्वाद भी अच्छा है और साइज भी अच्छा है। लगभग 1 केजी में लगभग 6 या 7 आम्रपल्ली बैठती है, ये ख्याल में रखिएगा। उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा है। तो आपको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि अगर से आम्रपल्ली अगर लगाते हैं तो 5 बाय 5 मीटर में, 5 मीटर बाय 5 मीटर में आप प्लांट लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, अभी यहाँ चलते हैं हम, और दूसरे जो वेराइटीज है जैसे लंगड़ा वगैरह है, तो वह 10 मीटर बाय 10 मीटर में लगाइएगा, यह मेरा रिक्वेस्ट है। लेकिन आप 5 मीटर बाय 5 मीटर में भी लगा सकते हैं। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको आपको छटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखिएगा, अभी आम को मोहर आना स्टार्ट हो गया है। ये देखिएगा, केसर वेरायटी है, पूरी केसर की वेरायटी है। तो केसर में भी गुजरात रिलायंस के, गुजरात का रिलायंस केसर है, ये एक सिंपल केसर है। तो केसर में लगभग 2 से 3 वैरायटी है। और देखिएगा, इसके बगल में गन्ने का खेत भी है, और यहाँ एक तार यहाँ से डाले हुए है, इसलिए कि सुअर टकराने के बाद में यह बार बार नहीं जाती, तो इसके लिए तार का भी यहाँ, क्योंकि सुअरों का अतिक्रमण, जो डुक्कर जिसे कहते पीक कहते, घुस जाती थी, इसलिए ये बाम्बू गड़ा के ऐसे 10-10 फीट पे बाम्बू गड़ाने के बाद में तार, जो स्टील तार होता है, सेंटिंग का तार होता है, वहाँ पूरा आसपास किया गया है, क्योंकि सुअर एक बार टकराने के बाद में डबल एंट्री नहीं मारती। तो दोस्तों इस प्रकार काश्तकारों को सिक्योरिटी करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ भी आम मोहर पे मोहर आना स्टार्ट हो गया है। इसे देखिएगा, यहाँ पौधे सिर पर भी 5-5 साल के पौधे दोस्तों देखिएगा। और आपको बताना चाहूंगा इसकी देखरेख किस प्रकार की। अब आपको इस पौधे में अगर से नजर आता हो कि यहाँ बड़ा पौधा और यहाँ छोटा, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ ज्वाइंट है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी कभी आप प्लांट लगाते हैं तो उसका ग्राफ्ट किस जगह है, और ग्राफ्ट का पोर्शन जमीन के अभाव होना चाहिए, थोड़ा 4 उंगल या आधा फीट कंसिडर, 1 फीट या आधा फीट ऊपर चाहिए, और बाकी का प्लांट जमीन में लगाने का, लेकिन ग्राफ्टेड पार्ट जमीन के अंदर कभी नहीं लगाने का। लेकिन इसके बाद में जब पेड़ बढ़ता है दोस्तों, तो ख्याल में रखिएगा, इसमें क्या होता है, जब पेड़ बढ़ता है तो पेड़ बढ़ने के बाद में अगर से यहाँ रूट स्टॉक है, यहाँ देखिएगा इतना पोर्शन रूट स्टॉक का है, यानी कलम पहचान में जाती है वी ग्राफ्टिंग की कलमें, और उस निशान के ऊपर का ही कलम का प्लांट बढ़ने दीजिएगा। और यहाँ से अगर से कोई ब्रांचेस निकलती दोस्तों, तो उसे तोड़ते जाइएगा, और एक बार आप प्लांट बड़ा हो गया तो कभी ब्रांचिंग नीचे से रूट स्टॉक से नहीं आती, जैसे यहाँ पर अभी। और इसके बाद में देखिएगा, यहाँ ऐसी मोटा होता है, तो ऐसी यहाँ जो आउटर लेयर है, यहाँ जो कैम्बियम का, वहाँ तड़क जाता है, इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन एक छाल के रूप में निकल
निकल जाता है। तो दोस्तों जैसे अभी ये मोहर आने के पहले एक हमारे इस काश्तकार ने एक काम नहीं किया है, इसे बोर्डो मिश्रण लगाना था, मोरचूद जिसे कहते हैं, 1:3 रेशो में, समझो 1 किलो अगर से मोरचूद है तो 3 किलो चूना इनका घोल कीजिएगा आप। तो मोरचूद को आप कॉपर सल्फेट कहते हैं जो ब्लूस कलर में होता है। तो इसे जो तने को है, तने को आप उसका घोल करके आपको पोतना है पूरे पेड़ों को। तो इससे क्या होगा दोस्तों, फंगस और अदर इंसेक्ट चढ़ेंगे नहीं पेड़ पे, और जो मोहर पे जो हमला करने वाले जो कीटक रहते हैं, यहाँ देखिएगा ब्रांचेस, तो दोस्तों इस प्रकार। और आपको बोर्डो मिश्रण बिल्कुल आपको 2 महीने पहले लगाना है, और अभी मोहर इस पे आने का है दोस्तों। अगर से बेस्ट अगर से है, यहाँ देखिएगा जाली वाली, और यहाँ देखिएगा यहाँ जाली वाली, यहाँ सब निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इसमें आपकी जो है फंगस है, या फंगस साल भर रहती कुछ कुछ पेड़ पे, लेकिन जब फ्लावरिंग आता है और अपने हाथ काले काले हो जाए, पत्ते पे काला काला, तो मेरे एक वीडियो में मैंने पूरे डिजीज से मैंगो के बताए हैं लगभग। तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और वहां देखिएगा कि इसके डिजीज कौन कौन से हैं। तो इसके पूर्व तैयारी करके अभी मोहर आने के पहले जस्ट आना है, तो सभी पेड़ों को आप बोर्डो मिश्रण लगा दीजिएगा, और एक फवारनी आप फंजीसाइड की पेड़ पे फुल्ली कर दीजिएगा, यानी आपका पूरा फंगस, एक या दो फवारनी कीजिएगा 10-10 दिन के बाद में फंजीसाइड का, ताकि मोहर आने के बाद में आपको समस्या ना जाए। और हो सके मोहर आने के बाद में एक काम करना है आपको, मोहर आने के बाद में कोई भी इंसेक्टिसाइड ना मारिए, क्योंकि पॉलिनेशन में जो इंसेक्ट जो आते हैं वह मर सकते हैं, और पॉलिनेशन जरूरी है। तो दोस्तों आपको इंसेक्टिसाइड उसके बाद में नहीं मारना, अभी इंसेक्ट ही मारना है तो अभी मार दीजिए मोहर आने के पहले, आपको डाउट है तो। लेकिन फंगीसाइड 2 बार मार दीजिएगा, उसके बाद मोहर आने के बाद में आपको लगता है तो मोहर आने के बाद में फ्रूट ग्रोथ हार्मोन मार्केट में अवेलेबल है बहुत सारे कंपनियों के, वहाँ फ्रूट ग्रोथ हार्मोन जो है आप मोहर जैसी आया वैसी स्प्रे कर दीजिए, तब आपकी फलधारणा भी बहुत अच्छी होगी और स्ट्रांग। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कौन से वैरायटी में आपको कितने फीट पे डिस्टेंस रखना है। अब तो दोस्तों अब ये हो गई आपकी मोहर वगैरह के लिए, मैं बता दिया फंगस कब लगती है, कैसे लगती है, क्या करना चाहिए बता दिया। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2 रो के बीच एक रो हो गई है जो 5 मीटर या 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपने किया है, तो 5 मीटर किसके लिए, तो 5 मीटर में आप लंगड़ा रत्ना वगैरह सब लगा सकते, बसरते बड़ा होने के बाद में आपको 10 साल के बाद में तकलीफ ही जाएगी, दोनों प्लांट एक में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि आम्रपल्ली को छोड़ के बाकी वेरायटी के प्लांट बहुत बड़े होते हैं। लेकिन उसके लिए फिर उपाय है, आप अगर से 5 मीटर में करते हैं तो उसकी कटिंग्स जिसे प्रूनिंग कहते हैं, ब्रांचेस कट हर 2-2, 3-3 साल में, हर साल तो नहीं बोलूंगा आपको मैं, जब भी प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया साइज में, तो उसकी आप कटिंग एक्स्ट्रा ब्रांच आप कट कर दीजिए, नए ब्रांचेस को आपका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग लगी। इस प्रकार आप 5 मीटर में भी हर प्रकार का डेंस, हर प्रकार का वेराइटी का डेंस मैंगो ऑर्चार्ड तैयार कर सकते हैं। अब रही बात है 2 रो की, इस 2 रो के बीच में क्या कीजिएगा, अब 2 रो के बीच में आप डिस्टेंस 5 मीटर रखिए या 10 मीटर रखिए। अगर 10 मीटर रखते हैं तो बीच के रो में आप नींबू वगैरह की फसल ले सकते हैं। दोस्तों देखिएगा यहां अच्छी वैरायटी का नींबू है, और यहां 10 मीटर तो नहीं, यहां 5 मीटर लगभग, 5 मीटर का डिस्टेंस है दोनों रो में, तो आप 5 मीटर के भी डिस्टेंस में आप इंटरक्रॉप ले सकते हैं। लेकिन अगर इंटरक्रॉप लेना है दोस्तों, तो आपको लगेगा कि जब आप पौधा लगाते हैं मैंगो का, तो 3 साल तक आपको फसल नहीं मिलनी है, तो आपका पूरा एक्सपेंडिचर ही होगा, खर्चे ही खर्च होगा। तो इससे बचने के लिए आपको उपाय बताना चाहता हूं मैं, कि इस जगह में आप ट्रैक्टर चल सकता है। अगर नींबू वगैरह के पेड़ नहीं लगाते, अनार के नहीं लगाते, पपाया के नहीं लगाते, आप दूसरा क्रॉप ले सकते हैं, जैसे भिंडी ले सकते हैं, टोमेटो ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, मिर्ची क्रॉप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का आप इंटर क्रॉप ले सकते हैं, साल भर ले सकते हैं। तो उस प्रकार इसमें ट्रैक्टर चल सकता है इतने प्लेस में, और जब आप 3 साल का, 4 साल, 5 साल का पेड़ हो जाएगा तो भी आप क्रॉप ले सकते हैं। देखिएगा ये 5-5 साल के पौधे हैं, लगभग 1-1, 2-2 क्विंटल इसमें फ्रूटिंग होती है दोस्तों, फिर भी अभी यहां पर इंटरक्रॉप आप ले सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप साल में इसमें कुछ नहीं ले सकते। तो दोस्तों इंटरक्रॉप के माध्यम से आप दूसरी फसलें लेकर आपका जो खर्च हुआ, जो पैसा है एक मैंगो ऑर्चार्ड लगाने में, वो भी आपका निकल सकता है, बगीचे की देखभाल का खर्च निकल सकता है। इस प्रकार आपको नो प्रॉफिट नो लॉस या प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो मैं आपको तो दोस्तों इसके बाद में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर से आपको इंटरेस्ट है तो आप कलम के पौधे तैयार करके भी बेच सकते हैं। जैसे आपके पास ऐसे पौधे तैयार हो गए तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाने का,
और उसमें कलम किस प्रकार की जाती है, कौन से मौसम में की जाती है, कौन कौन से पौधे भी कितने हाइट पे की जाती है, सभी प्रकार के कलम, गुटी कलम से लेके यानी कोई कलम से लेके हर प्रकार की कलमों का विवरण दिया है। मैं उसका विवरण डबल इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो आप इस प्रकार अपने यहाँ पर प्लांटेशन लगा के आप पैसा भी इससे पेड़ से कमा सकते हैं। बस सर आपको एक मदर प्लांट चाहिए, जैसे आप मदर प्लांट के तौर पर आप एक हाथ पौधा उतने पौधे नहीं ला सकते, तो एक एक सिंगल सिंगल या चार चार पांच पांच पौधे लगाइए और चार साल के बाद में आपको इतने बड़े बड़े पौधे होंगे। तो हर साल आप कम से कम 50 से 100-200 कलम में एक प्लांट की तैयार करके एक पौधा आप 100-150 रुपए में बेच सकते हैं। इस प्रकार आप कलम से भी पौधे तैयार करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों और दूसरी चीज, इनको लगाने का प्रोसीजर मैंने इसके पहले मेरे एक वीडियो में बताया था, फिर भी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से सुन ले, क्योंकि कैसा होता है कोई किसी के पास वक्त होता है, किसी का नहीं होता, प्लेलिस्ट देखने का किसी को देखते नहीं आती। तो इसलिए ऐसे पौधे जब लगाते हैं तो पौधे के लिए आप समर वैकेशन में जो उनाला जो मई जून का होता है उस वैकेशन में आप 5 मीटर या 10 मीटर के डिस्टेंस पे, मैं डिस्टेंस बता चुका हूं, आप 1x1 मीटर का जो पीट है गड्ढा जिसे कहते हो खोद लीजिए, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर रुंदा और 1 मीटर गहरा, यानी इस प्रकार खोद लीजिएगा और वहां की पूरी मिट्टी निकाल लीजिएगा, उस 1x1 मीटर के गड्ढे से पूरी मिट्टी निकाल लीजिएगा और उसके बाद में निकालने के बाद में वहां पर उसी मिट्टी में 50% मिट्टी लेने का निकाली हुई, उसमें 50% कंपोस्ट मिक्स करने का, और ऐसा 1x1 मीटर के इसमें कम से कम आप 5 किलो आप सुपर फॉस्फेट डाल दीजिएगा और 1 या 2 किलो आप यूरिया डाल दीजिएगा और पूरी मिट्टी को मिक्स करके आप वो गड्ढा पूरा भर दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे जुलाई माह स्टार्ट होता है रेनी सीजन, वैसे ही आप प्लांट जो आपका कलम का पौधा है वह प्लांट कर दीजिएगा। या फिर दूसरा प्रोविजन मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको पैसे खर्च करना का नहीं है तो आपको ग्राफ्टिंग आता होगा तो ऐसे सिंपल गुई जो देसी वेरायटी की है एक एक गड्ढे में चार चार पांच पांच एक एक फीट पे डाल दीजिएगा और रेनी सीजन आने के बाद में वहीं किसी ग्राफ्ट्समैन को बुला के विविध प्रकार की कलमें आप बांध सकते हैं। इस प्रकार आप जगह पे ही देसी पौधे पे ये जो भी वेरायटी की, आपको ऐसा नहीं कि मैं हाइब्रिड की वेरायटी बांधने के लिए बोलूंगा, आप कोई भी वेरायटी उस पे आप बांध सकते हैं, इवन देसी वेरायटी में भी अच्छी वेरायटीज है वो भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।